लेडी सिंघम थी और शिकायत के बाद मुझे बीजेपी का एजेंट बताया जा रहा है। स्वाति ने सोशल मीडिया पर लिखा कि पूरी ट्रोल आर्मी उनके पीछे लगा दी गई है। स्वाति ने लिखा कि उनके खिलाफ झूठ फैलाने वालों के खिलाफ वो कानूनी कार्रवाई करेंगी, झूठ से पर्दा हटाने के लिए वो कानूनी कार्रवाई करेंगी। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में अरविंद केजरीवाल और आप चौतरफा घिर गई है। इसके बाद अब वो लगातार अपनी नेता को झूठा बता रही है। यही नहीं, आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर बीजेपी पर विभव कुमार को साजिश के तहत फंसाने का आरोप भी लगाया। स्वाति मालीवाल जी के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी पर झूठे आरोप लगाने की कोशिश हुई। स्वाति मालीवाल जी को जब अरविंद केजरीवाल जी नहीं मिले तो उनके पीए विभव कुमार पे झूठे आरोप लगा दिए गए। लेकिन फिर से भगवान हमारे साथ था और स्वाति मालीवाल जी की वीडियो फुटेज पूरे देश के सामने आ गई। आपके लगाए गए इन आरोपों के बाद स्वाति मालीवाल ने अपनी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने अपने ऊपर लग रहे तमाम आरोपों पर आम आदमी पार्टी के नेताओं पर पलटवार किया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि जो विभव कुमार के खिलाफ शिकायत करने के पहले तक लेडी सिंघम थी, वो आज बीजेपी एजेंट बन गई। स्वाति मालीवाल ने दावा किया कि सच बोलने की वजह से पूरी ट्रोल आर्मी उनके पीछे लगा दी गई। स्वाति मालीवाल ने अपने पोस्ट में कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने लिखा कि कल से दिल्ली के मंत्री झूठ फैला रहे हैं कि मुझ पर भ्रष्टाचार की FIR हुई है, इसलिए बीजेपी के इशारे पर मैंने ये सब किया। ये FIR 8 साल पहले 2016 में हो चुकी थी, जिसके बाद मुझे CM और LG दोनों ने दो बार और महिला आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया। केस पूरी तरह फर्जी है, जिस पर 1.5 साल से माननीय हाई कोर्ट ने स्टे लगाया हुआ है, जिन्होंने माना है कि पैसे का कोई लेन देन नहीं हुआ है। अपने पोस्ट में स्वाति मालीवाल ने आप पर करारा हमला बोला और आगे लिखा कि विभव कुमार के खिलाफ शिकायत करने तक मैं इनके हिसाब से लेडी सिंघम थी और आज बीजेपी एजेंट बन गई। पूरी ट्रोल आर्मी मुझ पर लगा दी गई सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने सच बोला। पार्टी के सभी लोगों को फोन करके बोला जा रहा है कि स्वाति की कोई पर्सनल वीडियो है तो भेजो, लीक करनी है। इतना ही नहीं, स्वाति मालीवाल ने पोस्ट पर अपने रिश्तेदारों की जान को खतरा भी बताया। हालांकि उन्होंने झूठ फैलाने वालों को कोर्ट तक घसीटने की बात भी लिखी। झूठ ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता है, पर सत्ता के नशे में किसी को नीचा दिखाने के जुनून में ऐसा ना हो कि जब सच सामने आए तो अपने परिवारों से भी नजर ना मिला पाओ। तुम्हारे हर फैलाए झूठ के लिए तुम्हें कोर्ट लेके जाऊंगी। वहीं स्वाति मालीवाल केस में दिल्ली पुलिस भी एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। एक दिन पहले दोबारा विभव कुमार को पुलिस सिविल लाइंस लेकर पहुंची और पूरी घटना का फिर से रिक्रिएशन किया गया, जो CM आवास में करीब 1.5 घंटे तक चला। इस दौरान विभव कुमार से पुलिस ने 13 मई की घटना पर सवाल जवाब किए, जिसके बाद पुलिस केजरीवाल के पीए विभव को वापस ले गई। उधर हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जिन मंदिरों में कंगना जा रही हैं, उनकी सफाई करवाना जरूरी है। विक्रमादित्य सिंह की इस टिप्पणी पर कंगना रनौत ने पलटवार किया, कहा कि जिस तरह से वो अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, भगवान उनको ठिकाने लगाएंगे। और मंदिरों में भगवान का आशीर्वाद किसको मिला है, ये 4 जून को पता लग जाएगा। प्रदेश के अंदर, मंडी संसदीय क्षेत्र के अंदर ये बात घर कर चुकी है कि मोहतरमा का जो खान पीन की चीजें आज निकल कर आ रही है, आज जो ऐसी चीजें निकल कर आ रही है जो हमारी देव संस्कृति को कलंकित करती है। और हमने ये कहा कि जिन जिन मंदिरों में वो जा रही है वहां पर जो है सफाई करने की आवश्यकता है। ये चीजें हम नहीं कह रहे हैं, आज ये देव नीति के लोग इस बात को कह रहे हैं कि देव संस्कृति के ऊपर जो ये प्रहार किया जा रहा है, आज जो हमारे देव नीति के विपरीत जो चीजें आज निकल कर आ रही है, जो आज व्हाट्सएप में, यूट्यूब में, हर चीजों में लोग जिस चीज को देख रहे हैं, ये हमारी संस्कृति नहीं है। इस तरह के
जो भी हैं, मुझे लगता है कि इस तरह के जो अभद्र टिप्पणियां जो वो कर रहे हैं और बार बार जिस तरह की बातें कर रहे हैं, भगवान उनको खुद ठिकाने लगाएगा और जिस तरह से पता चल जाएगा 4 जून को कि किसको भगवान का आशीर्वाद मिला है मंदिरों में और किसको जो है वहां से जो है वो फटकार पड़ी है, ये 4 जून को पता चल जाएगा। और हिमाचल के बाद आपको बंगाल की राजनीति दिखाते हैं, जहां पर रामकृष्ण मिशन को लेकर ममता बनर्जी के बयान पर बीजेपी ने टीएमसी को घेरना शुरू कर दिया है। झाड़ग्राम की रैली में पीएम मोदी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा और कहा कि टीएमसी सरकार भी रामकृष्ण मिशन को बंगाल में धमकी देगी या आश्रम में तोड़फोड़ होंगे, ये कभी किसी देशवासी ने नहीं सोचा था। बंगाल में रामकृष्ण मिशन को धमकियां मिलेगी, आश्रम में तोड़फोड़ होगी, अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए टीएमसी सरकार हद पार कर रही है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में रामकृष्ण मिशन और भारत सेवाश्रम संघ को लेकर सियासी बवाल खड़ा हो गया है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ पीएम मोदी ने ममता बनर्जी पर जोरदार प्रहार किया तो वहीं दूसरी तरफ सीएम ममता बनर्जी को टिप्पणी करने के लिए कानूनी नोटिस भेजा गया है। हालांकि इन सब के बीच उन्होंने सफाई दी है। सीएम ममता बनर्जी ने परोपकारी कार्यों के लिए रामकृष्ण मिशन या भारत सेवाश्रम संघ की प्रशंसा की, लेकिन उन्होंने नाम लेकर स्वामी प्रदीप्तानंद पर निशाना भी साधा। दूसरी तरफ पीएम मोदी हैं जिनके दिल में रामकृष्ण मिशन के संतों के लिए अलग स्थान है। আমি রামকৃষ্ণ মিশনের বিরুদ্ধে নই, আমি কেন একটা ইনস্টিটিউশনের বিরুদ্ধে হব? আর আমি অসম্মানই বা কেন করব? আমি তো কয়েকদিন আগেও মহারাজ অসুস্থ ছিলেন, তাকে দেখতে গিয়েছিলাম, সেটা নয়। আমি বলেছি দু একজনের কথা, আমি আজ নয়, সাগরে গঙ্গাসাগরে ভারত সেবা সব সঙ্গে অফিস আছে, আশ্রম আছে, ওরা এত ভালো, ওরা সত্যি আমাকে খুব ভালোবাসে এবং মানুষের কাজ করে। আমি একটি লোকের নাম করে বলেছিলাম, তার নাম কার্তিক মহারাজ, তিনি আমাদের এজেন্ট বসতে দেয়নি। তৃণমূল কংগ্রেসের ভোটের 2 দিন আগে মুর্শিদাবাদে যে দাঙ্গাটা করিয়েছিলেন তার হোতা ছিলেন উনি, আমি সেই জন্য বলেছিলাম। এবং বলে জানো, আগে অধীন করতেন, এখন বিজেপি করেন। মুর্শিদাবাদে মনে রাখবেন যে জায়গাটায় রেজিনগরে ইলেকশনের 2 দিন আগে দাঙ্গা করেছিল সেইখানটায় ওনার আশ্রম, উনি আশ্রম চালক, আমার কোনো আপত্তি নেই। পতা চলা হ্যাঁ জলপাইগুড়ি মে রামকৃষ্ণ মিশন কে আশ্রম মে কল রাত কো তোড়ফোড় কি গই হ্যায়। आश्रम में काम करने वाले कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई है, उनको धमकी दी गई है। ये बंगाल को अब किस तरह ले जा रही है टीएमसी सरकार? कभी बंगाल में रामकृष्ण मिशन को धमकियां मिलेगी, आश्रम में तोड़फोड़ होगी, क्या किसी देशवासी ने कभी सोचा था? लेकिन अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए टीएमसी सरकार हद पार कर रही है। ममता दीदी रामकृष्ण मिशन के स्वामी प्रदीप्तानंद पर गुस्सा क्यों है ये भी उन्होंने बताया और कहा कि अगर बीजेपी का प्रचार करना है तो सीने पर बीजेपी का सिंबल चिपका लें, चोरी छिपे समर्थन की जरूरत नहीं है। इस पर बीजेपी के स्टार प्रचारक हेमंत बिस्व शर्मा ने ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए ये कहा कि बंगाल को दीदी ने संदेश खाली दिया है। तृणमूल एजेंट नहीं क्या ना बोलो, कार्तिक महाराज बोले छे तृणमूल एजेंट के हमला बोलते तो बोना ওখানে কিছু লোককে খেপিয়ে ছে যারা ছানার ব্যবসায়ী, ছানা তৈরি করে বিক্রি করে, খবর আমিও রাখি এলাকা এলাকায় গিয়ে ধর্মের নামে আপনি বিজেপি করে দাঁড়ান। শৌচালয় কি জরুরত গরিব কো ক্যো হ্যায়,
शौचालय की जरूरत मेरी मां बहन को क्यों है, इसकी समझ तक नहीं थी। भाइयों, आजादी के 60-70 साल जब मोदी आया तो हर घर में बिजली पहुंची, ये मोदी है जिसने हर घर में गैस पहुंचाने का बीड़ा उठाया, ये मोदी है जो हर घर तक नल से जल पहुंचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। कांग्रेस और आरजेडी जैसे उसके साथियों ने आपको सिर्फ और सिर्फ तरसा कर रखा। गरीब और गरीब होता रहा। इन 60 सालों में इन लोगों ने बड़े बड़े महल बना लिए, स्विस बैंक में अकाउंट खुल गए, आपके पास पेट भरने को अन्न नहीं था, लेकिन इन लोगों को तिजोरी में नोटों की गड्डियों की गड्डियों, नोटों के पहाड़, उनकी अलमारियां नोटों से भरी रहती है। आपके बच्चों के पास पढ़ने के लिए स्कूल नहीं था, लेकिन इनके बच्चे विदेशों में जाकर पढ़ते रहे। गरीब परेशानी में था, मुश्किल में था, लेकिन इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। साथियों, देश में गरीब की पूछ तब शुरू हुई जब गरीब का ये बेटा प्रधान सेवक के रूप में आपकी सेवा में खपने लगा। पिछले 10 साल में मोदी का बहुत सारा समय पिछली सरकारों के गड्ढे भरने में निकला है। जो काम 10 वर्षों में हुआ है, अब उसे ज्यादा काम अगले 5 साल में होगा। और ये मोदी की गारंटी है। तो बिहार के मोतिहारी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, जो कह रहे हैं कि अभी ये ट्रेलर है, अभी तो 5 साल में और विकास होना बाकी है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात ईरान की करते हैं, क्योंकि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी के निधन पर भारत में एक दिन का राष्ट्रीय शोक देखा गया है। आपकी टीवी स्क्रीन पर अब 3 अलग अलग तस्वीरें दिखाने वाले हैं। ये देखिए, पहली तस्वीर राष्ट्रपति भवन से है, जहां पर राष्ट्रपति भवन पर लगे राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुकाया गया है। वहीं दूसरी तस्वीर विजय चौक से है, जहां पर राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुकाया गया। और ये तीसरी तस्वीर आपके सामने राष्ट्रीय रेल संग्रहालय से है, जहां राष्ट्रीय ध्वज को झुकाया गया है। आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर दुर्घटना में ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी, विदेश मंत्री और अन्य पदस्थ अधिकारियों की मौत के बाद भारत सरकार की ओर से एक दिवसीय शोक रखा गया।
अगली खबर जयपुर से, जहां पर एक क्लब में आपसी कहासुनी के बाद कुछ युवकों ने जमकर उत्पात मचाया। 7 से 8 लड़कों ने क्लब में जमकर जाकर तोड़फोड़ की। इतना ही नहीं, टोकने पर बाउंसर संदीप मौर्य के साथ हाथापाई भी की गई। इसके बाद वैशाली नगर इलाके में कार्तिक राठौर के घर पहुंचकर एक जीप में तोड़फोड़ की गई। घटना का सीसीटीवी जो फुटेज है 2 दिन बाद सामने आया है। आरोप है कि सीसीटीवी फुटेज में मारपीट कर उत्पात मचाते हुए नजर आ रहा युवक हर्ष सिंह पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का भतीजा है। इस संबंध में बाउंसर ने मुख्य आरोपी सहित 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक राठौर ने भी वैशाली नगर थाने में केस दर्ज करवाया है, जिसमें पूर्व मंत्री के भतीजे हर्ष सिंह और अन्य युवकों पर धमकियां देने और गाड़ी में तोड़फोड़ की बात कही गई है। और अगर आप चारधाम यात्रा जाने की कोशिश कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चारधाम में आ रही भीड़ को देखते हुए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पर एक बार फिर से रोक लगा दी गई है। 31 मई तक के लिए जो चारधाम यात्रा है उसके ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन को बंद कर दिया गया है, यानी कि काउंटर पर होने वाले रजिस्ट्रेशन अब मई के लिए बंद हो गए हैं। चारों धामों में क्षमता से ज्यादा तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। रविवार को केदारनाथ में अकेले 35,000 से ज्यादा यात्री पहुंच गए और अन्य धामों में भी भारी भीड़ उमड़ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सबकी यात्रा सुरक्षित हो, लिहाजा कोई जोखिम हम नहीं लेना चाहते। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ। नमस्कार।